गोरखपुर के बेलीबार थाना इलाके के बरलमाफी गांव में आग ने जबरदस्त तांडव मचाया। आग की जद में आने से हजारों एकड़ खेत में गेहूं की फसल तबाह हो गई। सूचना के बावजूद जब दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने गोरखपुर बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रोडवेज की दर्जनों बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेलीपार, खजनी समेत कई थानों की पुलिस को हालात पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। SDM का कहना है कि दमकल की गाड़ियां तहसील में 9 जगहों पर लगी आग बुझाने में लगी थी, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाई। बिहार के समस्तीपुर में आग में जलकर गेहूं की 1000 एकड़ में फसल स्वाहा हो गई। आग लगी की घटना समस्तीपुर में पटोरी मोहनपुर प्रखंड में हुई। फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बावजूद फसल को बचाया नहीं जा सका। उधर समस्तीपुर जिले की अलग अलग जगहों पर आग से 400 परिवारों का आशियाना उजड़ गया। घर जलने से लोग आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यूपी के महाराजगंज के सोहगी वरवा वन्य जीव प्रभाग के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कल सुबह करीब 11 बजे लगी थी, लेकिन दिन भर की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महाराजगंज का इलाका आगजनी की घटनाओं से पहले ही बेहाल है। अलग अलग जगहों पर लगी आग में अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में पार्किंग में खड़ी टोयोटा इटियोस कार में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे ट्रैक के किनारे किसी ने झाड़ी में आग लगा दी थी, जो पास में ही सड़क पर खड़ी कार तक जा पहुंची। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार धू धू कर जल पड़ी। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर की गर्दन नापने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी NIA ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NIA ने इंटरपोल को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। CBI के जरिए NIA ने मसूद अजहर के अलावा उसके भाई अब्दुल रऊफ और पठानकोट हमले के 2 हैंडलर कासिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद शुरू की है। NIA के अफसर तंजील अहमद के मर्डर केस में यूपी पुलिस आज खुलासा कर सकती है। इस मामले में पुलिस ने कल 2 आरोपियों रियान और जुनैल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी मुनीर की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। बताया जाता है कि मुनीर की गिरफ्तारी से ही केस की सारी कड़ियां जुड़ पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मुनीर के गाँव के कम से कम 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक की जाँच से यही संकेत मिल रहे हैं कि तंजील अहमद के कत्ल के पीछे निजी दुश्मनी ही वजह रही है। जिस हमले में तंजील अहमद मारे गए थे, उसी हमले में उनकी पत्नी फरजाना भी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। फरजाना की हालत अब भी गंभीर बताई जाती है। उन्हें फोर्टिस अस्पताल से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अदालत में दाखिल ताजा SIT रिपोर्ट के मुताबिक मुरथल गैंगरेप केस में 3 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। पहली शिकायत एक छात्रा की ओर से दर्ज कराई गई है, जो हॉस्टल से अपने पिता के साथ लौट रही थी। छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। दूसरी शिकायत दिल्ली के पटपड़गंज की महिला ने दर्ज कराई है, जिसने न्याय मित्र अनुपम गुप्ता के सामने गैंगरेप से जुड़ी आपबीती बयान की है। तीसरी शिकायत ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली महिला ने दर्ज कराई है। पुलिस सभी मामलों की छानबीन कर रही है। इससे हरियाणा पुलिस के इस दावे पर सवाल खड़ा हो गया है कि मुरथल में गैंगरेप की कोई घटना नहीं हुई थी। देशभक्त छात्रों पर लाठीचार्ज से पैदा हुए बवाल के बाद कल से NIT कश्मीर में इम्तिहान शुरू हो गया, लेकिन 600 गैर कश्मीरी छात्र परीक्षा में बैठने की बजाय अपने घरों की ओर रवाना हो गए। आज 500 और छात्र अपने घर रवाना होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को ये विकल्प दिया था कि वो बाद में भी इम्तिहान में बैठ सकते हैं। गौरतलब है कि पुलिस लाठीचार्ज के बाद गैर कश्मीरी छात्रों ने NIT को श्रीनगर से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर में आतिशबाजी की वजह से लगी आग में 109 लोगों की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। राज्य के सभी मंदिरों में तेज आवाज वाली आतिशबाजी को बैन करने को लेकर हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर के गर्भगृह तक महिलाओं की एंट्री से रोक हट गई है। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। कल 10 महिलाओं ने श्री महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में जाकर देवी माता की पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत भी कर दी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जल्द ही महिलाओं की एंट्री का रास्ता साफ हो सकता है।
मंदिर प्रशासन ने मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों के प्रवेश पर लगाई पाबंदी हटा ली है। रविवार को ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया गया। उम्मीद जताई जाती है कि जल्द ही महिलाओं की एंट्री भी शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर ट्रस्ट से पूछा है कि क्या सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को प्रवेश न देने की प्रथा संविधान से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस प्रथा को चुनौती दी गई है। सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मंदिर प्रशासन से कई तीखे सवाल किए। बेंच ने पूछा है कि क्या सामाजिक प्रथाएं संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों से बढ़कर हैं? क्या आप किसी महिला को एवरेस्ट पर जाने से रोक सकते हैं? प्रतिबंध की शर्त हर किसी के लिए समान होनी चाहिए और संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। क्या महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक है? पांच जुलाई 2005 को अयोध्या में हुए आतंकी हमले पर आज इलाहाबाद सेशन कोर्ट फैसला सुना सकता है। करीब 11 साल पहले लश्करे तैयबा के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। हमले में शामिल 5 आतंकवादी और एक टूरिस्ट गाइड समेत 7 लोग मारे गए थे। जासूसी के आरोप में 20 साल से अधिक समय से लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद भारतीय नागरिक 50 साल के कृपाल सिंह की मौत हो गई। कोट लखपत जेल के एक अधिकारी के मुताबिक कृपाल सिंह सोमवार सुबह जेल में मृत पाए गए। कृपाल सिंह गुरदासपुर के रहने वाले थे। बताया जाता है कि लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें बॉम्ब विस्फोटों के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन उनकी मौत की सजा अज्ञात कारणों से कम नहीं की जा सकी। उनकी बहन जागीर कौर का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से उनका परिवार उनकी रिहाई की आवाज नहीं उठा सका। इस साल कैसा रहेगा बारिश का मिजाज? मौसम विभाग आज ही अनुमान जारी करेगा। आज शाम 4 बजे IMD के DG लक्ष्मण सिंह राठौर मॉनसून का अनुमान जारी करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का लाइफलाइन कहा जाने वाला दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस साल सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एक निजी एजेंसी स्काईमेंट ने इस साल सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे दिल्ली में टाइगर कंजर्वेशन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। टाइगर कंजर्वेशन पर यह तीसरा एशियाई मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। दिल्ली की 24 साल की मॉडल की छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर पुणे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मॉडल का आरोप है कि जिस्मानी रिश्ते बनाने से मना करने पर आरोपियों ने उसे सिगरेट से जलाया। आरोपियों ने उसे ऑडिशन के बहाने 9 मार्च को पुणे बुलाया था। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाने में इस केस की FIR दर्ज हुई है। दिल्ली की मुंडका पुलिस ने मॉडर्न टोपी वाला चार्ल्स शोभराज के नाम से कुख्यात कपिल आनंद नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कपिल ने 100 से ज्यादा चोरियां, धोखाधड़ी और लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके के मीट नगर स्थित मारुति के शोरूम को चोरों ने अपना निशाना बनाया। सोमवार सुबह जब कर्मचारियों ने शोरूम खोला तो कैश काउंटर में रखे करीब 70 लाख रुपए गायब मिले। शोरूम में लगे CCTV कैमरे के जरिए पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के तुगलकाबाद के तेहखंड इलाके में रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को BJP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, साथ ही केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में दिल्ली सरकार की उर्दू अकादमी ने जश्न दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मशहूर कव्वाल निजामी ब्रदर्स ने परफॉर्म किया। ऊपरी असम के पानगेरी में बिजली का तार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। बताया जाता है कि गोली से ही बिजली का तार टूटकर प्रदर्शनकारियों पर गिर गया। प्रदर्शनकारी 3 दिन पहले 2 लोगों की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों को सौंपने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। यूक्रेन में हमले में जख्मी मेडिकल छात्र इंद्रजीत सिंह चौहान के घर में मातम पसरा हुआ है। इंद्रजीत के माता पिता आगरा में रहते हैं। रविवार शाम हमले की खबर आने के बाद से ही पूरा परिवार इंद्रजीत की सलामती की दुआ कर रहा है। गौरतलब है कि यूक्रेन के उजगोरोड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 3 भारतीय छात्रों पर रविवार तड़के 3 बजे 3 यूक्रेनी नागरिकों ने चाकुओं से हमला कर दिया था। हमले में 2 की मौत हो गई, जबकि इंद्रजीत बुरी तरह से जख्मी हो गए।
हरियाणा के यमुनानगर के रादौर स्थित JMIITI के करीब 60 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जाता है कि कैंटीन में खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर है। कुछ छात्र छात्राओं को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। प्रत्यूषा के परिवार वालों ने राहुल पर प्रत्यूषा के कत्ल का इल्जाम लगाया है। इस बीच साई अस्पताल की MD के मुताबिक राहुल की सेहत अब सुधर रही है। राहुल गांधी आज देवनार डंपिंग ग्राउंड का दौरा करेंगे। हाल के दिनों में देवनार डंपिंग ग्राउंड आग की लगातार घटनाओं की वजह से चर्चा में है। राहुल यहां जवेरी बाजार में ज्वेलर्स से भी मुलाकात करेंगे। विरार के रेलवे फुट ओवर ब्रिज पर चाकू से लैस युवक ने दूसरे युवक पर हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान जख्मी युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उल्हासनगर में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। पूरा मामला CCTV में कैद हो गया है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का हवलदार एक दुकानदार से मारपीट करता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि उल्हासनगर फर्नीचर मार्केट में पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ट्रैफिक हवलदार की हरकत पर जब सारे दुकानदार एकजुट हो गए तो हवलदार को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कल रात फिल्म अभिनेता सलमान खान से मिलने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी थी। हालांकि ये साफ नहीं हो रहा कि आखिर अचानक सलमान और धोनी के मिलने की वजह क्या थी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी सलमान के भांजे यानी अर्पिता के बेटे आहिल को देखने गए थे। धोनी पत्नी साक्षी के साथ देर रात करीब 3:30 बजे सलमान के घर से निकले। धोनी को छोड़ने खुद सलमान बाहर तक आए। धोनी के जाते वक्त सलमान ने साक्षी को हाथ हिलाकर विदाई दी। धोनी इन दिनों IPL में व्यस्त हैं और मैच खेलने मुंबई आए थे। एरॉन फिंच की 47 गेंदों पर धुआंधार 74 रनों की बदौलत नवोदित गुजरात लॉयंस ने IPL में किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 161 रनों का स्कोर खड़ा किया था। गुजरात ने 2 ओवर 2 गेंदे शेष रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात से कप्तान सुरेश रैना ने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए जबकि दिनेश कार्तिक 26 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे। किंग्स 11 पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में ड्वेन ब्रावो का अहम योगदान रहा। गुजरात लॉयंस की तरफ से गेंदबाजी करते हुए ब्रावो ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट हासिल किए। IPL में आज रात 8 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच बेंगलोर में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले RCB के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भले ही उनकी टीम अब तक खिताब न जीत पाई हो, लेकिन RCB को टॉप 3 टीमों में रहने पर गर्व है। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच टॉम मूडी ने कहा है कि RCB के कप्तान विराट कोहली को रोकने के लिए उनकी टीम ने कोई खास रणनीति नहीं बनाई है। मूडी ने कहा कि विराट शानदार फॉर्म में हैं। अगर विराट, गेल या डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी मैच के दिन फॉर्म में हो तो सारी रणनीति धरी रह जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खुशखबरी है। वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन आज टीम से जुड़ जाएंगे। पिता के निधन की वजह से नरेन घर लौट गए थे। IPL में बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR का मैच है। विजय माल्या ने दावा कर सबको चौंका दिया कि उन्होंने कैरेबियाई प्रीमियर T20 लीग में बारबाडोस ट्राइडेंट की टीम को सिर्फ $100 में खरीदा था। माल्या ने दावा किया कि हर किसी ने मेरे CPL टीम बारबाडोस ट्राइडेंट खरीदने के बारे में बड़ा मुद्दा बना दिया, लेकिन ये ऐसी संपत्ति थी जो सिर्फ $100 में खरीदी गई थी। गौरतलब है कि माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ का कर्ज है और माल्या पिछले महीने भारत छोड़ गए थे। पहली बार भारत दौरे पर आए ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज यानी केट मिडिलटन और प्रिंस विलियम्स की शाही जोड़ी ने दिल्ली में कल गांधी स्मृति का दौरा किया। 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति पर शाही जोड़ा करीब 45 मिनट तक रहा। वहां उन्होंने बापू से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी देखी। केट और प्रिंस विलियम्स ने यहां राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत दौरे पर आए केट मिडिलटन और प्रिंस विलियम्स ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। यहां अपने संदेशों में शाही दंपति ने लिखा कि हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया।
सेना के बैंड की धुन के बीच शाही दंपति ने इस स्मारक के सामने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश हाई कमीशन में ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज यानी केट मिडिल्टन और विलियम्स की शाही जोड़ी ने क्वींस के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लिया। भारत दौरे के तीसरे दिन शाही दंपति आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लंच करेंगे। शहर शंघाई के सोंगजियांग में 3 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के मलबे में एक महिला और बच्चे को बचाया गया। सीसीटीवी फुटेज में बिल्डिंग गिरने के बाद धूल का गुबार उड़ते दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग 1980 में बनी थी। हादसे में किसी के मरने की खबर नहीं है। सीरिया में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इसी हफ्ते जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता से पहले हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए सीरियाई सरकारी फौज को कसूरवार ठहराया है। सीरिया में संसदीय चुनाव की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। कल यहां वोट डाले जाएंगे। 5 साल से गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपील की है कि इंग्लैंड के भविष्य के नेताओं और वित्त मंत्रियों को अपना टैक्स रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए। पनामा पेपर लीक्स के बाद शुरू हुई अटकलों को विराम देने के लिए कल कैमरन ने खुद का टैक्स रिकॉर्ड सार्वजनिक किया और अपने विरोधियों को भी चुनौती दे डाली। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।